What's up, Cap Gang? Welcome back to brand new PUBG Mobile video. आज मैं लेके आया हूँ ये देखो ये क्या है ये कौन से जमाने का कुत्ता लेके आया है भाई PUBG वालों कुत्ता खाया है क्या? I guess so ये इजिप्ट का कोई कुत्ता है शायद से इसको you know इसकी मूर्ति बना रखी है ये वैसे तो लेकिन सोचो अगर ये PUBG के अंदर एक मॉन्स्टर बनकर आ गया तो जो कि बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारता है सोचो अगर ये कुत्ता रियल लाइफ में PUBG में आ गया तो क्या होगा कैप गैंग? चल वो तो छोड़ो जब आएगा देख लेंगे लेकिन अभी तुम्हारे भाई का खतरनाक से M16 से क्लच देखो देखो भाई बात सुनो मेरी आराम से भैया इतना गुस्सा मत हो इतना पागल जैसे रश करने की जरूरत नहीं है देखो वो बड़े बड़े रैंगल में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है लेकिन भाई साहेब ये बंदे थोड़ी ना रुकने वाले थे इन्होंने आओ देखा ना था एंड भाई कूदम कादी करके डायरेक्ट अंदर घुसे आओ मैंने कहा भाई ये तो चीटिंग ये थोड़ी चीटिंग से कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ मैं पहले ही तुम्हें एनिमीज अहेड भाई क्या ही खेलता है भाई ये बंदा क्लोज रेंज बीस्ट है मैं तुम लोगों को एक टिप देता हूँ देखो वैसे तो मैं बड़ा दो केड़े का नोबड़ा प्लेयर हूँ ठीक है तो ऐसे इस टिप का तुम यूज नहीं भी कर भी सकते हो तुम्हारी मर्जी मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ठीक है क्या पता तुम्हें बताओ लेकिन कभी भी एक ऐसी कंडीशन होती है ना कि जब सामने वाला बंदा तुम पर ले रहा है TPP ठीक है एंड तुम जानते हो श्योरिटी के साथ जैसे कि ये कमरा है तो उसके अंदर TPP कहाँ लेते हैं एकदम यू नो एज पे लेते हैं तो तुम्हें पता है कि बंदा वहीं से पीक लेगा तो ऐसी कंडीशन में ना FPP करना बेटर होता है क्योंकि FPP में ना बंदे के ऊपर एम करना बहुत ज़्यादा बेटर होता है इन क्लोज रेंज क्योंकि तुम्हारी बॉडी बीच में नहीं आती है तो देख लो ऐसा कर सकते हो तो पहुंचेंगे की नहीं आए इधर आजा जल्दी आजा बिना सोचे समझे AKM लाऊं पीछे आजा ले आ बंदे रेंजर तू पाया नहीं ना पास में फिर देखियो पास में ही ये रुक इधर भी है ये छत पे है क्या सेफ रहना मैं थोड़ा एंगल बनाता हूँ वाह बचा ऐसे मैं से मार्क द लोकेशन इधर आ बक्का जल्दी आ जा हाँ अरे लेफ्ट राइट बिल्डिंग बचा रखी है बच के आ रहा है प्रीवियस तेरा रिवाइव क्यों नहीं हो रहा हील क्यों रहा है भाग जा से भाई बे यार ले ले भोसड़ी के मैं क्या करूं स्क्वाडस में नॉक और अब होता क्या इतने में लोन रेंजर की हो जाती है पेलम पाले ओ पेलम पाली मगर फिर ये देखो ऊपर कहां से चढ़ गए नाइट वाले घर में भी चेक कर ले एक बार मेरे को यार ऊपर जाना है इसके साथ ऑलरेड नहीं नॉक किया है एक तेरे घर में ही है नीचे Mark the location. ये जो दूसरी बिल्डिंग है मेरी बहुत ही हार्ड अ भाई 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 कहाँ जा रहे हो आपके तीन बंदे नॉकआउट हो गए आप काहे क्यों बलि देने आ रहे हो देखो नॉर्मली मैं देखता हूँ ना लड़के जब ये जब उनका आखिरी बंदा बचता है तो वो बचाने आ जाते हैं अरे भाग जाओ भाई कॉन्करर पुश कर रहे हो तो भाग जाओ ऐसे मत मरो आके फ्री में गन की गोली है इसमें
अच्छा कैप गैंग यार, तुमको जैसे पता ना हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? शायद से मेरे को पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि, लेकिन तुम्हारे भाई का ना एक और यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है? उसका नाम है एनब्रू स्पेलिंग, जहाँ पर हम डेली डालते अजीब अजीब सा कंटेंट, जो मतलब मेरा मन करता है, लाइक वहाँ पर मैं वो डालता हूँ जो मेरा मन करता है डालने का, और हम वहाँ बहुत मज़े करते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर हम गेम्स खेल लेते हैं, रिएक्शन वीडियोस डाल लेते हैं, व्लॉग्स बना लेते हैं। तो भैया आ जाओ एंड्रूस प्लेइंग पर भी, ठीक है? लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड आगे फिर हम वहाँ से पेलम पाली करते हुए रोजॉक में, अब रोजॉक के अंदर मच रही थी खतरनाक वाली लड़ाई, हमने भी कर दिया थर्ड पार्टी। भाई 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 क्या ही राइम करता हूँ मैं, बंदा एक और है, राइट निकल लो ओपन में। I got supplies. कहाँ से मार रहा है? ना मार कर। क्यों करेगा वो, तो मार तुझे क्या है? डिस्ट्रैक्शन हो रही है। चल यहाँ से। पता है डिस्ट्रैक्शन? खेलने दे। अनुरे खेलने दे रहा, फिर मुझे मत कहना। मेरा ग्लिच हो गया वापस से, मेरे पता ड्राइव वो लिखा हुआ आ गया मेरे, उस पे क्या करूँगा? बे यार रीस्टार्ट। बंदों पे जा रहा है, वो बोल रहा है कि ग्लिच हो गया। हाँ अबे ड्राइवर वो लिखा हुआ है गेट इन मेरे पे अभी तक। देख देख फोड़ दे गेट, एक नेड कर दे गेट पे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ताऊ रुक जा, तू बहुत बोलता है। रुक जा ये कहां से आ गया? ये पूरा का पूरा राइट से फ्लैंक मार के आ गया है मेरे पे कैप गैंग। अब मेरे हेल्थ लग चुके जिंदगी के। सब्सक्राइब करो यार चैनल पर, अगर नए हो। हम लोगों के 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, हम लोग 2 मिलियन से 2 लाख सब्सक्राइबर दूर है बे। तो सब्सक्राइब करना ना मत भूलना। अब देखो सामने आ गए थे बंदे, ठीक है? अब मेरे लग गए थे जिंदगी के लंबे लंबे एल कि भैया करूं तो का करूं, नहीं का करूं। चार चार बंदे मुंह पर हैं, वो तो मैं गलती से इधर बच गया क्योंकि ना वैम्पायर ने उधर अच्छा कवर दे दिया था। लेकिन अब तुम्हारे भाई का फटक गया दिमाग, सटक गया दिमाग। मैंने आओ देखा ना था। अब मैं जानता था कि इनको मारने का एक सिंपल तरीका होगा, इनका भी एक नॉक है तो इनको यहीं से मार सकते हैं हम लोग ना। एक्सट्री दे रहा है, शहीद हो गया कैब गैंग। ये लड़ाई इंटेंस हो जा रही क्योंकि अब दो दो स्क्वाड के बीच में मारा हो चुका सैंडविच। अब सीन ऐसा था कि भाई सामने पहाड़ के ऊपर बंदा लेटा हुआ था, अब उसको अगर तुम्हें मारना है तो देखो बहुत सारे बंदे ओपन में भाग के जाते हैं सांप को मारने, लेकिन भाई ओपन में जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो स्नाइपर टावर है ये किस दिन काम आएगा बबुआ? अरे स्नाइपर टावर में भागो, ऊपर चढ़ जाओ एंड बस खड़े होके फिर पिकाचू बना दो इसका। कीड़े में आ रहा मेरे को पता नहीं, मर गए। एंड इसी के साथ दोनों स्क्वाड मैंने यहाँ पे जल्दी से साफ कर दिया और फिर जल्दी से मैंने गाड़ी निकाली क्योंकि हमको पता चल गया था कि और बंदे किधर। देखो हमारे यहाँ पे पूरा स्ट्रैटेजी यही था कि हम पागलों की तरह से मारते रहे, सिर्फ मारते रहे, यू नो, सिर्फ 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 मारते ही रहे बिना रुके मारते ही। प्लेयर राइट में रोक लूट रहे बंदे। आई नो भाई साहब, भाई पूरे धूमे वूमे उड़ा के लूट रहे। देख 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 ओपन ओपन चुप रहिए एक मिनट लोन इंजन थोड़ा फोकस। अभी मैं खेल लूंगा यार मैं खुद लोन ड्रिंक, तो मेरे को क्यों बताता है? वैम्पायर को पता बताना है तो। वैम्पायर से तो कह रहा हूं कि दो दो ले रहे हैं। मैं तो देख ही नहीं रहा उनकी तरफ जैसे। यार स्कारल से स्प्रे नहीं भेजा पाऊंगा मैं वहां पे। Oh my god!
मेरे को इससे ना भर दे यार कोई गांड देख रही थी अंदर भाग गया इधर ही है अब यहाँ पर फ्लेयर पर हो गया था एक बहुत खतरनाक डेंजरस कांड। अब ये लोग हमसे लड़ाई लेते हैं ठीक है, मगर जब जोन बाबा इनको धोखा दे जाते हैं तो ये भी पलट जाते हैं, जंपिंग जपा को मीटअप करने लग जाते हैं। लेकिन भाई देखो अब तो लड़ाई हो गई, अब तो तुमने मेरे को गोली मार दी, वो तो जोन बाबा तुम्हारे पीछे चले गए तो तुम कूद रहे हो, वरना तुम तो बड़े दो केड़े के ढीठ थे लड़ने को आ रहे थे। अब कोई नहीं, अब तो लड़ो भाई फिर, अब तो बचेगी लड़ाई ठीक है। अब लेट्स हैव फन। ड्रॉप के पीछे पहुंचे, दो पीछे अभी इनके, देखा लेने लग गया ना फाइट अपने आप। का दिया नॉक कर पे, क्या कॉम्पिटिटिव खेल रहे क्या बेल लौंडे? हेलो, हाँ लाइक का बटन नहीं दबाया तुमने अभी तक, क्या कर रहे हो? वाओ लाइक का बटन दबाओ क्योंकि अभी मजा आने वाला है भाओ ठीक है। दे 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 फोन तो आया है बहुत उन्हें ऐसे बताओ तो बोले कदम फक ये ले ये ले ये ले तू साल 70-70 क्यों दे रहे है? अबे मेरे पास है ही नहीं ना कतई जीरो तो पहले बोला तू बहुत अबे कट गया मेरा स्कैम हो गया। इधर आ जा रिवाइव दे आराम से रिवाइव हो जाएगा बाहर आहा और रश कर दे वन एचपी आ पीछे निकल ग्रेनेड आया पीछे निकल भाई अपने आप ओ अपने आप। ओ उसके दूसरे बंदे ने ग्रेनेड फेंका वो खुद जाके उसमें गिर गया नूब। अबे पता है मेरे साथ स्कैम कर दिया मैंने खुद के साथ ही अपनी जिंदगी के साथ। अब यहाँ पर जो कांड हुआ उसके बाद मेरे को कुछ बोलने का ही नहीं ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बड़ा यू नो डेंजरस स्कैम हुआ इधर मजाक सेट के जो नहीं होना चाहिए था मगर हो गया, अब कर भी क्या सकते। ऊपर से जो बंदों ने हम पे रश किया उनमें से एक को मैंने नॉक किया, दूसरा वाला उसी ग्रेनेड में जाकर के फट गया। वो मारता तेरे को 101 वो मैं तेरे को हरा देता मन में एमके थे उस पे। वो उसके पहले वाइट वाले बंदे को ना मैंने 1 HP किया मैं नॉकआउट हो गया, पीछे से एमके वाले ने दे दिया और वाइट वाले ने ना ग्रेनेड फेंक दिया उसको, अच्छा वो नॉकआउट नहीं हुआ मेरे से, अच्छा वो ग्रेनेड से कटा। फिर उसके ग्रेनेड में उसका एमके वाला बंदा भाग के मर गया। जिसको एनवी तूने नॉकआउट दिया ना क्या था मैंने नेट था वो फेंक देता था नेट। अरे वही तो कह रहा हूँ उसको नॉकआउट मैंने नहीं दिया, उसको मैंने नॉकआउट नहीं दिया भाई, उसको किसी उस वैम्पायर ने नॉकआउट दिया मेरे, मैंने उसको 1 HP किया था। ये ले लेना लेफ्ट में जो है क्या पागल है क्या इतनी दूर नहीं जोन जोन के बाहर है जोन देख तू कितना छोटा है चिकन आ जाए मजा आ जाएगा। ये तो बहुत ही खतरनाक सीन था भाई। अब भाई हम भागते आ जाते हैं इधर शेल्टर की तरफ क्योंकि हमारे पे गाड़ी नहीं थी एंड जोन भी बगल में ही था, तो मैंने सोचा यार देखो शेल्टर वेल्टर जा रहे हैं तो भाई बिना गाड़ी के जाना बेटर रहेगा है ना, एकदम मस्त आइडिया यही रहेगा। तो मैं जल्दी से भागता हुआ जाता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड में बंदे नहीं है और राइट बंदे मिलते हैं मेरे को राइट साइड में। अब इधर मेरे को जैसे ही बंदे दिखते हैं ना पहले उनको देखता हूँ कि भाई चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, गोलों की आवाज़ दिख रही है तुम्हें मैप पे? हाँ मैं देखता हूँ मेरे सामने तीन बंदे लेटे, मगर होता क्या है भाई कि जब तीन बंदे एक साथ पड़े होते हैं ना तो तुम उन तीनों को गोली मारोगे तो साला गोली किसी को भी नहीं लगती।
गोली लगती मतलब है, लेकिन नॉकआउट कोई नहीं होता। अब मेरे साथ हो गया इधर वही स्कैम भाई, क्या ही बताऊँ मैं, जिंदगी ऐसी तैसी भाई। राइट साइड में देख रहे हो बंदे लेटे पड़े, मैंने सोचा अरे वाह फ्री के किल, मगर भाई डैमेज स्प्रेड हो गया सबको, घंटा का कुछ नहीं मिला मेरे को भाई। तेरे अपने पीछे बंदे आ गए यार, किधर गाड़ी गई ना पीछे, वेयर गई गाड़ी ऑलमोस्ट उनकी। अब भाई बड़े बड़े एंगल में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, अब इतने में ऊपर से गाड़ी जाती है और हमारे पीछे से आ जाता है एक और स्क्वाड का बंदा। देख रहा हूँ हम लोग अब सैंडविच हो गए हैं वापस से, हमारे राइट साइड में बंदे, हमारे लेफ्ट साइड में बंदे, लाइक राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से गिर चुके हैं, हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन पर पी के लेके फायदा था नहीं, क्योंकि उन लोगों को मतलब सांप बनना यू नो नसीब हो गया था उनको, वो गुटकाधारी नागिन बन गए थे। अब उनके अगर हम पी के लेंगे तो हमारा पी का चू बना देंगे वो। तो मैं पीछे निकला तो पीछे हमको मिल गया एक और बंदा, अब ये बंदा जल्दी से चले जाता पेड़ के पीछे। मैंने कहा भाई देखिए पेड़ के पीछे तो चला तो गया, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में बंदे राइट में बंदे, जाए तो जाएगा क्योंकि हमारे को दोनों तरफ से खेल लिया। तो यहाँ पे फाइट हो जाती है सुपर डुपर इंटेंस कैब गैंग, बहुत ज्यादा इंटेंस। मेरे कहाँ से बचा रहे हो, यार ये मेरे मार देंगे मेरे को, मैं कुछ मार ही नहीं रह पा रहा। Enemy spotted. For real this time. Marked a location. बहुत ही तगड़ा, एक यहाँ पे इस वाले पेड़ लोकेशन जिसने मुझे भरा भाई, ओपी कौन से वाले नॉक दिया, तो सेफ है। हाँ मैं सेफ हूँ, यहाँ पे देख लियो बट पत्थर का कवर है मेरे पास। तूने कौन से वाला नॉक दिया, लेकिन अब हमारे जो वैम्पायर भैया उनको कब से मैं बुला रहा था कि भाई आ जाओ रिवाइव दे देते हैं तुम्हें, ठीक है तुम सेफ हो तुम क्या हो, उसने कहा वो सेफ है। अब वो देखो रेंगता हुआ आ रहा है इधर, अब मेरे को लगा रेंगता हुआ इधर आ रहा है तो पेड़ तक तो आएगा ये, लेकिन भाई घंटा ये पीछे ही रुक गया और पीछे ही भाई ओपन में मर गया। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है यार वैम्पायर तू, ये क्या कर रहा है भाई तू, अभी तक रिवाइव क्यों नहीं होने आ रहा है, कहीं आ जा भाई, कहाँ भागे जा रहा है दूर नूबड़े, आ जा पेड़ तक, पीछे भी है तेरे बंदे पता है कपड़े उतार। इन्हें नॉक दिया एक पता है पता। ओ भाई साहब सुपर, ओ भाई दे दिया इसको भाई, बहुत गलत दे दिया इसने, तो भरा था मेरे को पीटर पार करने। अब भाई साहब बड़े बड़े रैंगल में ऐसे छोटी छोटी लिविक वाली बातें होती रहती है। अब तीन बंदे बचे थे, अब वो सब थे अलग अलग स्क्वाड के। मेरे सामने एक मेरे को दिखता है बंदा, मैं इसके पास धीरे धीरे रेंगता रेंगता जा रहा हूँ। मैं अपनी लोकेशन नहीं देना चाहता था कहीं भी, क्योंकि अगर मैंने अपनी लोकेशन दे दी तो मेरे पेलम पाली हो जाएगी। मगर ये बंदा वापस से भागता हुआ इधर आ जाता है, पता नहीं क्या ही सांप का बच्चा है भाई। तो तुम्हारे भाई ने इस बार खड़े होकर दे दिया, मैंने कहा बस 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 भाई बस, अब नहीं अब तो पिटेगा। आया
अरे ये क्या है? क्या कर रहा है? Excellent work. अबे इसकी इसने गन निकाली होगी, निकली नहीं इससे. नियत्ता बोर्ड देते मानना. भाई साहब एस लोग ये अभी मॉन्स्टर तो भाई साहब ग्रेनेड ने सब कुछ बदल दिया यार. कैप किंग आज की वीडियो में बस इतना ही. बस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी करते रहना. वीडियो को मिलूंगा सून विद अ ब्रांड न्यू. तब तक के लिए पीस आउट. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन.